गुनगुनाई क्यों थी जब गाना नहीं था, इशारा क्यों किया जब बुलाना नहीं था, तड़प बनकर पूछते हैं आंसू, प्यार क्यों किया जब निभाना नहीं था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आप सुन रहे हैं बुक ऑडियो। कहानी का शीर्षक है गुनाह जो मैंने किए और इसके लेखक हैं पवन जैन। आइए सुनते हैं इस किताब की पांचवी कहानी, आभासी दुनिया का प्यार। फेसबुक पर नया नया आया था, हर कोई फेसबुक की बात करता था, जिज्ञासा स्वाभाविक थी, सो देखा देखी मैंने भी फेसबुक पर खाता खोला। नए नए लोग, कहीं ऐश्वर्या राय की फोटो, कहीं किसी और हीरोइन की। मैंने खुद की ही प्रोफाइल पिक रखी। महिलाएं शायद डर से अपनी असली तस्वीर नहीं लगाती थी। उन दिनों मैसेंजर बहुत पॉपुलर था। पुरुषों की महिलाओं से बात करने की उत्सुकता स्वाभाविक है। बेचारी महिलाएं उनके मैसेंजर पर घुसपैठ करने वालों से बहुत परेशान हैं। चाहे अपनी घर में पत्नी या किसी और से बात भी न करें, लेकिन फेसबुक पर महिला मित्रों से गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट के साथ इमोजी और अच्छे अच्छे संदेश भेजना उनका प्रिय शगल होता था। शुरू से ही संकोची रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा डिफरेंट था। महिलाओं के मैसेंजर पर नहीं जाता था, लेकिन उसकी डीपी बेहद आकर्षक थी। पहली बार में ही नजर अटक गई। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने का लोभ संवरण न कर सका और उसने भी स्वीकार करने में ज्यादा वक्त नहीं लिया। फेसबुक में दी गई जानकारी के मुताबिक वो दिल्ली में रहती थी और हाउसवाइफ थी। पता नहीं कैसे मेरी हिम्मत हुई, मैंने उसे मैसेंजर में थैंक्स बोला और उसका भी जड़ से जवाब आ गया, वेलकम। उसके रिस्पॉन्स से मेरी हिम्मत बढ़ी। फेसबुक पर बिल्कुल भी पता नहीं चलता था कि डीपी रियल है या किसी मॉडल की, कहीं फेक आईडी तो नहीं। महिलाएं अपना मोबाइल नंबर भी आसानी से शेयर नहीं किया करती थी। हाय हेलो हाउ आर यू से बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। हम लगभग रोज बात करने लगे थे एक नियत समय पर, जिसका मैं बेसब्री से इंतजार करता था। शायद वो भी। हम एक दूसरे की हॉबीज पर बात करते थे। उसे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक था और मेरी ही तरह प्रेम उसका पसंदीदा विषय था। लेकिन अब तक हमने मोबाइल नंबर शेयर नहीं किए थे और ना ही कभी मैसेंजर कॉल। वो बहुत अच्छी बातें करती थी, मनमोहक। उसकी बातों में मेरे प्रति सम्मान झलकता था। हम अक्सर अमृता प्रीतम के बारे में बात करते थे, अमृता और इमरोज के बारे में, अमृता और साहिर के बारे में। अमृता प्रीतम की आत्मकथा रसीदी टिकट उसे बहुत पसंद थी। पिछले कुछ दिनों से उसकी आवाज सुनने की इच्छा प्रबल होती जा रही थी, लेकिन मैं उससे कह नहीं पा रहा था कि कहीं वो मुझे गलत न समझ ले। लेकिन हम दोनों के मन मिल चुके थे, इसलिए शायद उसने मेरे दिल की बात भांप ली थी और एक दिन खुद ही कहा, आपसे फोन पर बात करनी है, अपना नंबर दीजिए। मेरी खुशी का ठिकाना न रहा, इसे कैसे पता चली मेरे मन की बात। फिर सोचा उसका भी तो मेरी आवाज सुनने का मन कर रहा होगा। अब मेरे पास उसका नंबर था, लेकिन ना उसने कॉल किया ना मैंने। लेकिन हम दोनों रोजाना मैसेंजर पर बात करते और शिद्दत से दोनों को मुलाकात के वक्त का इंतजार रहता। ज्यादातर वो ही पहले आती, लेकिन उससे बात करने की बेचैनी मेरी भी कम नहीं थी। उसे मैसेंजर पर मिलना एक खूबसूरत एहसास था, एक सुखद अनुभूति, और दिल उसी एहसास और अनुभूति को जीना चाहने लगा था। बेताबी से रात का इंतजार, कुछ मैं अपने ख्वाब बांटता, कुछ वो अपने जज्बात शेयर करती, और उसकी प्रोफाइल पिक असली थी या नहीं ये भी तो पता नहीं थी। फिर एक दिन मैंने पूछ ही लिया, क्या ये तुम्हारी असली तस्वीर है? उसने कहा, अंदाजा लगाकर बताओ। मैंने लिखा, असली नहीं है। क्यों, मैं क्या इतनी खूबसूरत नहीं हो सकती? इससे कहीं ज्यादा खूबसूरत हो,
मैंने रिप्लाई दिया। उसने स्माइल की इमोजी भेजी और मैंने भी। आज वो ज्यादा ही खुल रही थी। कहीं कुछ और तो नहीं सोच रहे हैं आप, उसने स्माइल के साथ लिखा प्रश्न चिन्ह। यही भेजा मैंने। मैं समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहना चाह रही थी वो। इतने दिनों में उसने पहली बार दिल की इमोजी भेजी मुझे और लिखा कहीं प्यार तो नहीं हो रहा मुझसे। आज बेहद खुश लग रही थी वो। मुझे लगा जैसे मैं उसे देख पा रहा हूं। उसकी आंखों में एक मुख आमंत्रण नजर आ रहा था मुझे। आभास हो रहा था मुझे कि उसकी पलकें भारी हो रही थी उस वक्त और उसकी धड़कन सुनाई दे रही थी मुझे। मैं कैसे इतनी कल्पना कर गया। कहीं वो सच तो नहीं कह रही। कहीं मुझे सच में प्यार तो नहीं हो गया था। मैंने अपने फालतू के ख्यालों को झटका और मैसेंजर को देखा। वो जा चुकी थी। ऐसा पहली बार हुआ था जब वो बिना विदा लिए और शुभरात्रि कहे बिना गई थी। कहीं कोई बात उसे फील तो नहीं हो गई। मैं उसके इस बर्ताव को लेकर थोड़ा आशंकित था। स्त्री को लेकर आदमी हमेशा से दुविधा में रहा। नारी मन को पढ़ पाना कभी भी आसान नहीं रहा और मेरे साथ तो पहले कभी ऐसा कुछ घटा नहीं था। पत्नी के अलावा किसी और से कभी कोई रिश्ता नहीं रहा था। मैंने सोचा यदि वो नॉर्मल है तो खुद डेली की तरह मैसेंजर पर आएगी और नहीं आई तो तब तो जरूर सीरियस मैटर है। पहले आज मैसेंजर पर उसका इंतजार तो कर लूं, उसके बाद ही कुछ सोचना होगा। एक तसल्ली थी कि अब उसका मोबाइल नंबर था मेरे पास। उसका नंबर अपने मोबाइल में मैंने परी के नाम से सेव किया था। हाँ, परी ही तो थी वो, आसमान से उतरी परी, मेरी कल्पना के संसार की परी। मेरे ख्यालों में आकर बार बार मुझे परेशान करती ऐसी परी जिसके पंख मुझे भी उसके संग संग उड़ा रहे थे। यूं ही ऊहापोह की स्थिति में कब आग लग गई पता नहीं चला। सुबह ऑफिस में भी मन नहीं लगा, बस रात होने का इंतजार। मन में एक आशंका, मोबाइल की घड़ी पर निगाहें। एक एक पल भारी हो रहा था। एक दुविधा सी मन में कि पता नहीं मीता, हां यही नाम था उसका, मैसेंजर पर रोजाना की तरह आएगी भी या नहीं। लेकिन मेरी आशंका निराधार थी, मेरे मन का वहम। हियर आई एम, सहसा उसका मैसेंजर फ्लैश हुआ। एक पल तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ। एक बार और देखा, वही थी। शुक्र है भगवान का, तुम आ गई, मैंने लिखा। यही सोच रहे थे ना कि मैं आऊंगी या नहीं। उसने एक साथ बहुत सारी स्माइल भी भेजी थी। बेहद खुश लग रही थी वो। वही तो, कल तुम अचानक से चली गई, मैंने लिखा। जानबूझकर गई थी, उसने फिर स्माइल भेजी और लिखा। लगा उसे मेरी बेचैनी में आनंद मिल रहा था। क्यों, ये भी नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगेगा, मैंने लिखा। वही चेक करने के लिए गई थी, सोचा देखूं तो, उसने कुछ अधूरा सा लिखा। साफ साफ कहो मीता, क्या चेक करना था, मैंने लिखा। उसके मन में क्या था पता नहीं, लेकिन मैं बेसब्र हो रहा था। वही जिसने मेरा चैन चुरा लिया है, उसके दिल में क्या है मेरे लिए। उसने एक साथ बहुत सारे दिल भेज दिए, पता नहीं ये सही है या नहीं, लेकिन तुम अच्छे लगते हो, प्यार हो गया है आपसे, उसने लिखा। और साथ में बहुत सारे गुलाब, दिल, न जाने क्या क्या। मुझे तो सच में इन इमोजी के मतलब भी नहीं पता थे। उसका लिखा ये संदेश पढ़ते ही मेरे रोमांच की कोई सीमा नहीं थी। दिल बहुत तेज धड़कने लगा था।
काश वो पास होती तो सुन पाती। एकदम समझ नहीं पा रहा था उसके प्रेम इजहार पर कैसे रिएक्ट करूं, लेकिन एक अरसे बाद लगा जैसे जिंदगी के किसी खालीपन को भरने का वक्त आ गया था। लेकिन मैंने उसे देखा नहीं था, प्रोफाइल पिक का भी पता नहीं, असली थी या नकली, और नाम का भी तो कोई भरोसा नहीं था। आभासी दुनिया का सच यही तो था। वो शायद मेरे मन को ताड़ गई थी और एकदम मैसेंजर पर एक फोटो दिखाई दी। लो देख लो, तुम्हारे सामने मेरी रियल पिक और साथ में ढेर सारी इमोजी। वो बेमिसाल सौंदर्य की स्वामिनी थी, जैसे कोई उपन्यासकार अपनी न्यायिका के सौंदर्य का वर्णन करने में। नारी की सुंदरता के सारे आयामों को नए नए विश्लेषणों के साथ संबोधित करता है, जैसे जासी ने रानी पद्मावती के सौंदर्य को उकेरा था, जैसे जावेद अख्तर ने एक फिल्म में तुमको देखा तो ऐसा लगा गीत में मनीषा कोइराला के रूप की अलग अलग उपमाओं में व्याख्या की थी। कुछ कुछ वैसे ही थी, और मुझ सरीखे सामान्य पुरुष के लिए उसकी सुंदरता को परिभाषित करना नितांत असंभव था। वो इन सबसे कहीं ज्यादा खूबसूरत थी, उसका रूप अकल्पनीय था। कोई भी उपमा, कोई भी विशेषण उसकी सुंदरता का वर्णन करने में नाकाफी थे। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लिखूं। एक अद्भुत निर्छल निर्दोष मासूम बेमिसाल सौंदर्य स्वामिनी मेरे सामने थी, शब्द मेरा साथ छोड़ रहे थे। अब देखते ही रहोगे या कुछ बोलोगे भी, उसी ने लिखकर मेरी तनरा तोड़ी। जस्ट ऑसम यू आर। कुछ बन नहीं रहा था लिखने को, तो बस सिर्फ यही लिखा मैंने, तुम भी बहुत अच्छे हो, पता है क्यों, उसने स्माइल के साथ लिखा। वो कैसे बताओ तो, मैंने लिखा, आज पूरा हफ्ता हो गया है, तुम्हें नंबर दिए, उसने लिखा प्रश्न चिन्ह, तो फिर क्या हुआ, मैंने लिखा, तुम्हारी जगह कोई और होता ना, नंबर पाते ही कॉल करता, उसने लिखा, लेकिन तुमने तो कहा था कि तुम कॉल करोगी, मैंने सच्चाई लिखी, वही तो, लेकिन इस मैसेंजर पर तो लोग किसी महिला का नंबर पाने के लिए तड़पते हैं, उसने सेंड वाली इमोजी भेजी, ये लिखते लिखते, तो मैम साहब ये मेरा इम्तिहान था, मैंने लिखा, और क्या, और तुम इम्तिहान में पास हो गए हो, उसने लिखा, कितने नंबर आए मेरे बताओ तो, मैंने लिखा। अब तक मैं रिलैक्स हो चुका था और मन ही मन अपनी तकदीर पर खुश था। नंबर वंबर क्या, बड़ी मुश्किल से पास हुए हो, कंपार्टमेंट, बस तरस आ गया तुम पे, उसने ढेर सारी स्माइली के साथ लिखा। जी बहुत बहुत शुक्रिया टीचर जी, मैंने भी लिख दिया। अब मुझे उससे कोई डर या संकोच नहीं था। अच्छा अब ज्यादा इतराओ मत, उसने गुस्से वाली इमोजी भेजी और लिखा, आज की मुलाकात बस इतनी, कल फिर मिलते हैं, इसी वक्त इसी जगह, शुभ रात्रि, उसने लिखा और मैसेंजर ऑफ कर दिया।